हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी मैं रसूल बात करता हूँ, पहचाने? कौन मैं? रसूल? हाँ रसूल है। अच्छा, आखिरी रसूल है या मतलब आखिरी के बाद जो आए हैं वो हैं? जी आखिरी रसूल है ना? नहीं नहीं एक बार मेरी आपकी रफेदन पे बात हुई थी। अच्छा मोहम्मद रसूल भाई। हाँ मोहम्मद रसूल। तो ऐसा बोलिए ना, आपने कहा मैं रसूल हूँ, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मतलब किसी और को रसूल बना के भेज दिया। अच्छा अच्छा खैर बताइए, और आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का फजल है। जी फरमाइए। क्या फ्री है तो कंटिन्यू करें या बिजी हो तो फिर बात करें? भाई कंटिन्यू क्या करना है, रफा दैन आपके हिसाब से क्या है? मनसूख है, सुन्नत है, वाजिब है, नफिल है, फर्ज है? मैं बताया ना भाई, उस दिन अपना मौका हुआ था और थोड़ी देर अपनी बात हुई थी और अजा होने के बाद आपने चले गए, मतलब बात नमाज से कंटिन्यू करे बोले, फिर थोड़ी बिजी हुई थी, मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था। हाँ तो आपने भाई एक वो हदीस पेश की थी मुझे कि अल्लाह के नबी ने कहा घोड़ों की दुमों की तरह इशारा मत क्या करो, तो उसका मैंने जवाब दिया था। अब उसके आगे आपको कोई बात करनी है? हाँ और है ना, बहुत है, बहुत सारी बात है उसपे। हाँ बताइए, कंटिन्यू करें या आप फ्री हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं या? हाँ कंटिन्यू कीजिए, जब तक टाइम है तब तक बात कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब आधा घंटा तो आप अगर वक्त निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर कभी इंशाल्लाह। तो भाई आधा घंटे का टाइम है तो आप दिन में फोन कीजिए मुझे। हाँ मैं इसीलिए, 2 बजे से पहले कभी भी आप फोन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फ्री रहता हूँ। हाँ क्यों ना, मैं अब देखो ये फ्री टाइम है, आप कभी फ्री टाइम है समझो। अब फ्री टाइम की बात नहीं, असल में ये है ना भाई, कारोबार पे भी मतलब है ना, कारोबार भी देखना है, दिन भी देखना है। जी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर फ्री हो तो बात करें या फिर कभी इंशाल्लाह। अच्छा तब तक अभी फिलहाल दूसरे टॉपिक पे बात कर ले, थोड़ा आपका मौकफ जानना था। आप दूसरे टॉपिक को तो अब मैं तो पहले ये टॉपिक होने के बाद भी दूसरे टॉपिक बात करना चाहता हूँ। नहीं वो अपना पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी बात। नहीं हो जाने तो पहले उसका कंप्लीट हो जाने दो ना। अच्छा मेरा खाली इतना आपसे पूछना था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रफादन के कायल थे, तो आप लोग क्यों नहीं रफादन करते हो? भाई देखिए सुन्नत और सुन्नत मुतवातिरा, जो सुन्नत मुतवातिरा होती है ना, जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की थी हदीस, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की थी, और उसके हिसाब से कुरान की आयत और उसके की बात कीजिए, सही हदीस की। हाँ सही हदीस ही थे भाई वो। नहीं अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली जो हदीस है कि रफादैन ना करने वाली, वो इमाम अबू दाऊद रहिमुल्ला भाई वो रफादैन ना करने के बाद में उसको लेके आए हैं, और उसके नीचे ही अपने कमेंट में कहा है कि ये हदीस ये एक बड़ी सी हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अपने इन अल्फाजों के साथ महफूज नहीं है और ये ज़ईफ है। भाई अगर आप अब्दुल्ला इब्न मसूद अबू दाऊद की हदीस अगर आप पढ़ें तो उसमें जो तर्क मतलब पहली तकबीर तहरीमा के अलावा रफादैन नहीं करने का जो बात बांधा है उन्होंने, उसमें जिक्र किया कई अहदीस जिक्र किया उन्होंने, और तो वो कौन सी नमाज थी उस दिन भाई? वो नमाज का नहीं है ना जिक्र। बताता हूँ भाई एक मिनट रुको ना। वो तो हम लोग मानते हैं नमाज थी भाई, लेकिन वो जनाजे की नमाज थी। अच्छा जनाजे की? हाँ क्योंकि उसी में होती है ना, एक बार रफादैन करते हैं। अच्छा तो अब्दुल तो ये तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि वो 5 वक्त की जो फर्ज नमाजें थी या सुन्नत थी या नफाफिल थी वो वाली नमाज थी। अच्छा 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 ठीक है, तो पहले जो आपका डाउट है उसको क्लैरिफाई करके बाद में आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है तो देखो उसके अंदर अबू दाऊद की हदीस जो आपने बयान की थी उसमें कई अहादीस उन्होंने लाए उस बात के अंदर, और उन्होंने उस हदीस में ये कहा था कि वर्डिंग जो बात इसके अंदर आई थी इसमें आगे पीछे हुआ, ये अबू दाऊद की हदीस में उन्होंने अपनी बात पेश की। नहीं नहीं आप भाई ये बोतान बांध रहे हैं आप हदीस के ऊपर, आप पहले पढ़ लीजिए उसके बाद बोलिए।
मैंने पढ़ा इसलिए उसमें उतरा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस एक तवील हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अपने इन अल्फाजों के साथ महफूज नहीं है। तो जो मेरे भाई टुकड़े महफूज नहीं है उससे रफा दैन छोड़ने की दलील पकड़ना ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जिहालत है। नहीं, मेरे साथ में अबू दाऊद की हदीस है, मैं होना है तो आपको स्कैन का भी भेज देता हूँ, पढ़ लेना जी। आप अरबी का जो मतलब भाई को होता है ना वो नुस्खा आप उसमें देख लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मौजूद है, और वही चीज अगर आप मिश्कात में भी देखेंगे उसमें भी मौजूद है। नहीं, मैं अरबी से भी भेजता हूँ, आपको उर्दू या इंग्लिश में नहीं। तो आपको मिला नहीं इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के कमेंट? मैं देखा है आपने तो बोर्डर लगाया कहा ना, तो मैं बताता हूँ आपको। नहीं, मैं जो बताया था उसमें उनके वर्डिंग जो आपका मानना ये है कि वो हदीस मतलब क्या है, सही है, ज़ईफ है, मौज़ू है, कौन सी हदीस है? हाँ, उस वो हदीस के वो उसी हदीस में तिर्मिज़ी की अगर हदीस आप ले लें के पूरी नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो तो हसन हदीस है ना। हाँ हसन हदीस है, और तिर्मिजी रहमतुल्लाह ने हसन कहा उसको, और दारुस्सलाम ने तो इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह वो हदीस को हसन कह रहे हैं, और दूसरी जगह वो 10 सहाबियों का अमल बता रहे हैं जिसमें उन्होंने रफादैन किया, और इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह वो खुद रफादैन करते रहे, ठीक। और जो ये हसन जो हदीस आप इसको कह रहे हैं ना, ये पहली चीज तो ये जमहूर उलमा ने इसके ऊपर कलाम किया है और इसको ज़ईफ साबित किया है। खैर मैं ये सब में नहीं जाता हूँ, मैं नॉर्मली आपसे बात करूंगा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली जो हदीस थी उसको इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह ने हसन कहा, तो चलिए मैं भी हसन मानता हूँ, लेकिन उस हदीस से साबित क्या हो रहा है ये आपने जानने की कोशिश की? चलो ठीक है, आप भाई हदीस में ये है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो ये कहते हैं, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका ना बताऊं? और अल्लाह के नबी ने अच्छा। एक बार रफादैन किया और फिर नहीं किया, ठीक। तो ये तो हम भी मानते हैं, अल्लाह के नबी ने एक ही बार रफादैन किया, मान लिया ना। अभी क्या है, इसके अंदर रफादैन नहीं करने का? तो एक बार तो हम लोग भी करते हैं भाई। कहाँ भाई, आप रुक जाते हुए सजदे जाते हुए भाई तकबीरे तहरीमा करते हैं, एक ही बार करते हैं, दो बार हाथों को भाई वो दो बार या तीन बार हाथों को नहीं उठाते हैं। जब हम लोग रुकू करते हैं तो एक ही बार भाई वो करते हैं रफा दैन, वो दो तीन बार नहीं उठाते हैं अपने हाथों को। जब रुकू से उठते हैं तो एक ही बार अपने हाथ को उठाते हैं रफा दैन करते हैं, वो दो तीन बार नहीं करते हैं। तो वही तो भाई ये बताने का भाई ये मकसद था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक ही बार रफा दैन करते थे फिर नहीं करते थे, यानी कि बार बार मतलब तकबीरे तहरीमा में हमको 10-25 बार रफादैन नहीं करना है, एक बार रफादैन करना है, और रुकू में जाते वक्त एक बार रफादैन करना है, रुकू से उठते वक्त एक बार रफादैन करना है, 2-4-10 बार नहीं करना है। होगी भाई, मैं बता दूं। हाँ तो आप बताइए, आप लोग मेरे भाई क्या मतलब इस हदीस से क्या साबित करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा पूरी नमाज में वक्त छोड़ दिया ना आपने, ये तो पूरी नमाज वाला अल्फाज आप अगर हमें दिखा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं हदीस आपको बता दूंगा, और मेरे पास दलाइल भी पूरी नमाज के ही। और दूसरी चीज ये कि अगर मान लिया जाए अल्लाह के नबी ने एक ही रफादैन किया उसके बाद कोई भी रफादैन नहीं किया, तो ये तो हड्डियों के ऊपर बड़ी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि हम भी लोग ईदैन की नमाज में वो एक बार रफादैन करने के बावजूद भी बार बार भाई को रफादैन करते हैं, वित्र की नमाज में भी भाई वो तीसरी रकात में भाई वो रफादैन करते हैं, तो ये तो हदीस को उनका अमल नहीं है। हो गया, बता दो। हाँ बताइए ना भाई, आपने जब रफादैन की नमाज दो रकात की जिस तरह करते हैं, क्या ईद की नमाज उसी तरह पढ़ते हैं? तो ईद की नमाज में भी तो रफादैन है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा आप फजर के दो रकात फर्ज नमाज करते हैं, रुकू जाके रुकू से सर उठाते, उसी तरह भाई तकबीर पे रफादैन होता है ना, तकबीर पे अल्लाह अकबर कहते हैं तो रफादैन होता है। तो ईदैन की नमाज में जब भाई तकबीरात के साथ आप लोग वो 6 तकबीरात या 12 तकबीरात जब पढ़ते हैं तो रफादैन करते हैं ना, तो अल्लाह के नबी ने तो एक ही बार किया, तो आप लोग बार बार क्यों करते हैं? और वित्र की नमाज में जो तीसरी जो भाई वो रकात में एक्स्ट्रा रफादैन करते हैं ये तो साबित ही नहीं है।
ना सही हदीस से, ना ज़ईफ़ हदीस से, ना सहाबा के आसार से। होगी आपकी बात, जरा मेरी बात भी सुन लिए तो आपको बेहतर होगा कि आप बके बके जा रहे हैं। जी भाई आपको इतनी इल्मी बात बता रहे हैं, आपके आलिम लोग भी आपसे छुपाते हैं। अरे भाई मैं वही तो आपको पूछा। अच्छा ये बताइए कि पूरी उम्मत का इज्मा है भाई कि नमाज में रफा दहन करना चाहिए, ये नमाज की अहम सुन्नत है, तो आप इज्मा के मुनकर भाई आप काहे के लिए बन रहे हैं? हाँ भाई उसके अंदर सुन्नत मुतवातिरा यही है ना कि रफा दहन। अरे सुन्नत मुतवातिरा भी छोड़िए, इज्मा के आप मुनकर क्यों हुए? इज्मा का हुआ, इज्मा इस पे भी है ना कि रफा दहन। चारों इज्मा मेरे भाई इस बात के कायल है कि रफा दहन करना चाहिए। भाई इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा उनके नजदीक रफाए दहन करना ज़ईफ है। हदीस पे हाँ दो गई मेरे भाई दे दूंगा भाई मौत्ता इमाम मालिक में भाई नमाज के ताल्लुक से इमाम मालिक रहमतुल्लाह एक ही हदीस लाए है, वो रफा दहन वाली लाए, अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली। इमाम भाई मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह रफा दहन के कायल थे लेकिन वो खुद नहीं करते थे क्योंकि बादशाह ने उनके दोनों हाथ को तोड़ दिया था। हाय मैं वही कह रहा हूँ उनके नजदीक जाए थे उनका ही मैं। अच्छा भाई इमाम मालिक को छोड़िए, इमाम शाफई को छोड़िए, इमाम अहमद बिन हम्बल को छोड़िए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रफा दहन के कायल थे, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो रफा दहन? भाई आप एक काम करो, क्या जिसके आप एक सवाल पूछते जा रहे हो उसका जवाब सुने बगैर फिर दूसरा सवाल की। नहीं मेरा एक सवाल खाली, ये लास्ट सवाल है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जब रफा दहन के कायल थे तो आप नमाज में रफा दहन क्यों छोड़ते हो? हाँ पहले एक बात, मेरी पूरी बात जरा सुन लो, जरा सबर करो बात में। नहीं नहीं मेरे भाई मुझसे सबर नहीं हो रहा, जल्दी बता दीजिए, जब आपके इमाम रफा दहन के कायल है तो आप उनके मानने वाले मुकल्लिद भाई रफा दहन करने वालों से इतना भाई चिढ़ते क्यों हो? नहीं हम रफाए दहन करने वालों से चिढ़ते नहीं है, जो रफाए दहन जो आगे वालों को जो तोहमत लगाते हैं ना उससे चिढ़ते हैं। तो हम तो कहते हैं अल्लाह के नबी के तरीके से नमाज पढ़ो भाई, सही बुखारी हदीस नंबर 604 उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। भाई पूरी हदीस पढ़ो भाई एक बार मेरे को, पूरी हदीस मुकम्मल पढ़ो, पूरी मुकम्मल हदीस पढ़ो। नहीं तो नहीं पूरी पढ़ देंगे तो आप मतलब क्या कर लोगे? तो आपको उसका जवाब मिलेगा, आगे पढ़ने से नहीं मिलेगा आपको। हम समझ गए ना आप क्या कहोगे, जो आपके आलिमों ने आपको सिखा के भेजा है ना अल्हम्दुलिल्लाह सबका जवाब हम दे चुके हैं अल्लाह के नबी के पास। भाई वो नौजवान लड़के आते हैं वो दीन सीखते हैं, जब दीन सीखने के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, तुम में से जो बड़ा हो उसको इमाम बनाओ, तुम में से एक जाके अजान दो, तो अब बताइए इसमें क्या आप कहेंगे? मैं आपको कहा कि पूरी हदीस पढ़ने की, पूरी तो पढ़ी है, अब इसके आगे क्या है मेरे भाई आप बता दो। पूरी नहीं पढ़ी और ये पूरी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है, अब अगर इसके अलावा कुछ हो तो आपका जूता मेरा सर, मेरा जूता तो आपके सर को ही रहेगा क्योंकि आपने अभी थोड़ा भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात का पक्का हूँ, तो आपका जूता इंशाल्लाह आप ही के मुंह में घुस जाएगा एक दिन। इसीलिए मैं आपको कहा कि पूरी हदीस आपको पता तो पूरी तो पढ़ी है, अधूरी क्या है, बाकी तो मैंने छोड़ दिया है, आप बता दो ना इतने बड़े अल्लामा बन रहे हो, पहले हदीसों से बात करोगे तो क्या पहले हदीस के आधी अधूरी हदीस भाई पेश करेगा आपको? हाँ आधी अधूरी हदीस ही पेश करेगा। आप पूरा कर दो जरा जानी हदीस को, हम भी जान जाए तुम कितने बड़े अल्लामा हो। एक मिनट, क्योंकि मेरे पास हदीस वो अभी सामने नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सामने नहीं है तो उसका जो मफहूम है शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए ना, सामने तो मेरे भी नहीं है, मैंने भी नहीं, आपको उसका शॉर्ट फॉर्म में मफहूम ही बताया है। नहीं नहीं पूरी हदीस सुनने के बाद ही हम इससे बात करेंगे जब आपके पास। तो फिर मेरे भाई जब आपको खुद इल्म नहीं है तो भाई उन चीजों के पीछे क्यों भागते हो? नहीं ऐसी चलो क्या हटाइए इसको हटाइए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जब रफा दहन करने के कायल थे तो आप क्यों नहीं रफा दहन करते हो? अच्छा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रफा दहन करते थे? नहीं करते नहीं थे, करने के कायल करते थे, करने के कायल थे, करने के कायल थे तो उनका अमल रफा दहन था, वो कायल थे मतलब उनके नजदीक रफा दहन करना गलत नहीं था क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा था कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है, तो भाई वो रफा दहन करने की सही हदीस है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक नहीं पहुंची,
लेकिन आपके इंतकाल के बाद आज की तारीख में हम सबको मालूम है रफा दहन करने की 400 से ज्यादा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हदीसे मौजूद है सही हदीस। तो अब इससे ये साबित होता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी रफा दहन करने के कायल थे, तो हनफियों को भी रफा दहन करना चाहिए। हो गया आपकी बात, तो मैं बता दूं आपको। हाँ जल्दी बताइए। कि आप एक मुझे ऐसी दलाइल बता दें कि इमाम अबू हनीफा रफा दहन के कायल थे। पहली चीज भाई रफा दहन करने के बिल्कुल कायल थे, क्योंकि सही हदीस भाई उनका मजहब था, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने खुद कहा कि जब कुरान और सही हदीस आ जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सही हदीस आ गई है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कयास को भाई हमने दीवार पे मार दिया और हमने अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपना लिया। ओके क्या हमारी बात नहीं सुनते तुम कभी भी? बकते 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 जा रहे हो। अरे क्या बक रहा हूँ भाई, जो आप पूछ रहे हो भाई उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। अब जवाब भी आप नहीं सुन रहे हो। मेरे अभी मुकम्मल जवाब ही नहीं हुआ, आधी अधूरे में आपने जबान फिर शुरू कर दिया। तो आपने भाई आपको अपने इमाम का नहीं मालूम है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे तो पहले सामने वाला पूरी बात बताने तक रुको, सलाहियत रखो सुनने की। मेरी पूरी बात अभी हुई नहीं, तुम बच्चे बच्चे जा रहे हो। तुम पहले सुनो आगे वाले की बात, मैं बताता हूँ। हाँ जो 400 हदीस आपने बताई थी वो 400 हदीस मुझे दिखी है, उसमें 300 हदीस सर तरफ अंदर हमारे लिए एक हदीस उज्जत है, एक हदीस। हाँ हमारे लिए ईमान का ये पैमाना नहीं है कि जब एक अमल की 1000 हदीस आएंगी तब मानेंगे, एक भी अल्लाह के नबी की सही हदीस आ जाएगी हम अमल करने के लिए तैयार है। लेकिन रफा दहन के ताल्लुक से तो 400 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं तमाम किताब में, एक भी किताब में रफा दहन ना करने की एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है दुनिया में। ठीक है आप मेरे को 3 मिनट टाइम दीजिए, मैं पूरी बात आपको बताता हूँ। 3 मिनट आप अपनी जबान ना उठाए। होता है आपसे बात करने या नहीं होता है? 3 मिनट आपके अंदर खामोश रहने की सलाहियत है या नहीं? अच्छा बोल लीजिए मेरे भाई, बोल लीजिए, शौक पूरा कर दीजिए अपना। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आपको जो बोलना है बोलो, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप टाइम स्टार्ट होता है, आप जुबान मत लग रहा है। आपने जो 400 हदीस कहा था, जो 400 हदीस मेरे को पेश करें पहली चीज, और दूसरी चीज उसके अंदर 300 हदीस ये चीज है कि वो शुरू नमाज के रफा दहन करने की बात रुकू के नहीं, और उसमें 2 हदीस सजदे वाले रफा दहन के है और 98 हदीस रफा दहन करने के है। ये 400 हदीस का खुलासा है। और दूसरी चीज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह क्या तर्क रफा दहन का अमल करते थे, तो उसकी दलील मुझे होना है। और एक चीज कि आप जो तिर्मिजी की हदीस को जो हसन माने, लेकिन उसको ये नहीं अमल पे क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर 2 रावी मौजूद है और 2 रावी के हदीस आप जो कशफ के अंदर उंगली उठाते हो उस हदीस में भी मौजूद है, लेकिन और चीन पे हाथ बांधते हो उसके अंदर भी 2 रावी मौजूद है, लेकिन वो दोनों हदीस सही हो गए, लेकिन वो 2 रावी की वजह से तिर्मिजी की हदीस को आपने ज़ईफ कहा। अगर ज़ईफ होनी हो तो तशहुद में उंगली उठाना भी ज़ईफ है और सीने पे हाथ बांधने की हदीस भी ज़ईफ है। बस 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 साहब, अब आपको हो गया मेरे दोस्त, आपने बहुत ज्यादा जहर उगल दिया, अब आपको झूठे बोतान बांधने हम नहीं देंगे। भाई दीन आपकी अम्मा दहेज में लेके नहीं आई थी कि जो आपके मुंह में आ जाए आप भोगते चले जाओ, पहले आप पढ़ाई कर लो उसके बाद बात किया करो, ये मैं लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ। ठीक है, दीन को मजाक भाई ना बनाओ, इल्म हासिल करो उसके बाद बात करो। मतलब अपने मसले को साबित करने के लिए कहीं का सर और कहीं की टांग जोड़ के मतलब भाई मतलब जो कुछ मुंह में आएगा बात तुम बोलते चले जाओगे। रावी की बात, रावी का नाम बता दूं क्या? रावी सनद मतन हदीस की बात तुम करोगे? तुम तो मुकल्लिद हो ना मेरे भाई, मुकल्लिद अब इतना बड़ा लामा हो गया कि वो रावी और सनद और मतन और ज़ईफ और मौज़ू और सही की बात करने लगा। तौबा तौबा तौबा, तुम्हारे हनफी आलिम कहते हैं कि मुकल्लिद जाहिल होता है, इसको कुरान हदीस का इल्म नहीं होता, इसलिए वो अपने ईमान की तकलीद करता है, और तुम इतने बड़े भाई वो मुज्तहिद बन गए कि मतलब रावियों की सनद पे बात करने लगे, रावियों के ऊपर जिरा करने लगे। या तो अहले हदीस बनो उसके बाद मेरे भाई तुमको अधिकार मिलेगा ये सब बात करने का, एक मुकल्लिद होके तुम्हें ये सब बात करना भाई शोभा नहीं देता है। हो गया अपनी बात, मैं बात करूँ? हो नहीं गया, आपकी हिम्मत कैसे हुई रावी के सनद मतन पे बात करने की? पहले आप ये बताइए किसने इख्तियार दिया आपको? हो गया ये बता दो मैं। नहीं हो नहीं गया, किसने भाई आपको इख्तियार दिया ये बताइए? हाँ आप अगर सुनेंगे तो ना मैं बता दूँ। चलिए बताइए आपको किसने इख्तियार दिया रावी के सही और हसन और ज़ईफ और मौज़ू की बात करने के लिए? हो गया, अरे हो गया ना, बोलो जल्दी से।
हाँ 3 मिनट का मैंने पहले टाइम लिया था, उसके अंदर भी आपने 3 मिनट आप जो हर बात की अपने टॉपिक के ऊपर आप बोलते, आप तो मेरे भाई अपना टॉपिक भूल के उंगली उठाना और ये करना वो करना सब पे आप पहुँचने लगे। अभी हम रफा दहन छोड़ के आपके हंसी मसलक की जो किताब है उसके ऊपर अभी जाए। मैं आपकी हिदायत में उतरा हुआ है कि रफा दहन करना सही हदीस से साबित है, और आपकी उसकी हिदायत में उतरा हुआ है कि रफा दहन ना करने की तमाम जो हदीसें हैं वो आइमा के नजदीक भाई वो ज़ईफ है। तो आप लोग अपने मसलक की बात नहीं मानते हो तो कुरान हदीस की बात भाई आप मतलब कहाँ से मान लोगे, कैसे मान लोगे? जब मैंने कुरान हदीस की बात की तो तुम्हारे अंदर परेशानी शुरू होगी, इसलिए आप ऐसा बात करते हैं। नहीं, कुरान हदीस तुम समझे नहीं और तुमने बात करना स्टार्ट कर दी, इसलिए मुझे भाई अफसोस हुआ। कुरान हदीस की वही बात करे जो कुरान हदीस को मानने वाला हो, जो कुरान हदीस को मानते ही ना हो और अपनी अक्ल से भाई कुरान को समझ के फैसला करने लगे तो ऐसे गुमराह हो कि हम बात नहीं मानते हैं। हाँ, इसीलिए जब हम कुरान हदीस, अरे भाई मैं सीधा आपसे सवाल कर रहा हूँ, रफा दहन ना करने की एक सही हदीस हमें पेश कर दो जिसको तमाम आइमा ने कहा हो कि हाँ ये हदीस सही है और बिल्कुल काबिले एतमाद है, तो इंशाल्लाह आज से रफा दहन करना छोड़ देंगे। और जो ये जो आप लोग लॉलीपॉप देते हो ना आवाम को कि अल्लाह के नबी ने कभी रफा दहन किया कभी छोड़ा, ये झूठ है। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी जमाने तक रफा दहन किया, एक भी नमाज ऐसी साबित नहीं है भाई जिसमें अल्लाह के नबी ने रफा दहन ना किया हो। भाई जिस दिन इल्म के मैदान में बात होगी ना उस दिन मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में हो। भाई अगर आप सामने वाले की बात अगर सुनने के काबिल है या हम सामने वाले की बात तभी सुनेंगे जब वो सच बोलेगा, हम झूठ भाई बर्दाश्त हमसे नहीं होता है, और खासकर अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर झूठ तौबा तौबा तो वो तो मुझसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं नहीं लोगों से हक बात हमेशा हक बात पे आपकी खबर। अरे हक कुरान हदीस से मेरे भाई तुम्हारे मुंह की बात हक थोड़ी ना है, मतलब तुमने रसूल अपना नाम रख लिया तो क्या तुम बाकी रसूल समझने लगे अपने आप को? मैं नहीं समझने लगे, आप समझे हो तो आपकी गलती है। सुबह ले जाएंगे यार ये लोग, माल कर लेंगे जानते हो सारे को। चलो ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को। हाँ हेलो, खालो खालो एक बात बता दो, अगर ये रावी हदीस के अंदर ज़ईफ है तो कुरान में उसकी तफ़सीर ली जाती है या नहीं? भाई आप इतनी डीप में ना जाइए, आप गुमराह हो जाएंगे। आपके आलिमों ने आपको सिखाया नहीं कि जो मुकल्लिद होता है ज्यादा डीप में जाएगा गुमराह हो जाएगा? हाँ, तो आप भी बता नहीं कि डीप में आप इसलिए आप हदीसों के सुर के ऊपर बात करेंगे, मुझसे बताइए मंजूर है टॉपिक से भागेंगे तो? नहीं नहीं जरूर, आप मुझसे सही सही मौजू और हदीसों के सुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार है? हाँ है ना, इसी से बात करता हूँ अभी। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन आपको सुर बताता हूँ, ठीक है? पहले मेरी बात सुनो, जो भाई भाई जो मुहद्दिस जो हदीस को जमा करता है वो अगर उसके नीचे कमेंट में उतार देता है आप उसकी बात को छोड़ के अपनी अकल से भाई तशरी करोगे कि उसका रावी ज़ईफ है तो ये है तो फला है तो गुड़ा भाग करके आप अपने मन से कोई भी फैसला कर लोगे तो ये मेरे भाई तुम्हारे घर का उसूल नहीं है, ये हदीसों का फन है, इसके भाई इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। मेरा लेक्चर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? क्या अहले हदीस हदीस के उसूल जानते हैं? आप उसको सुन लीजिए, ऐसे ऐसे उसूल मैंने बताए हैं ना कि आज तक किसी हनफी आलिम ने भी अपने आवाम को नहीं बताया होगा। तो आप पहले इल्म हासिल कीजिए मेरे भाई, उसके बाद कीजिएगा। आप तो अपने इमाम से सगे नहीं हो तो कुरान हदीस के कहाँ से सगे हो जाओगे, ठीक है? आप लोग का तो वो हाल है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, आप लोग सबको ठगते हो। और मेरे को अंगूठा चूसने वाला बच्चा ना समझना कि जो भी तुम बोलोगे उल्टा सीधा इधर इधर का कील काल करोगे तो मैं मान लूंगा, ठीक? कभी अपने मसलक के अपने इमाम के कॉल पे तो कील काल करते नहीं हो, और कुरान हदीस की बात आती है तो बराबर कील काल तुमको याद आ जाता है। भाई बकवास नहीं है ये, हक बात है। अब यही तो बात है ना, तुम लोग को बकवास जो होती है वो तुमको दिल लगता है और जो दीनी बात होती है वो तुमको बकवास लगती है। इसीलिए मैं सुनता हूँ, लेकिन तुम आपके अंदर वो सलाहियत नहीं कि सुनने के आगे वाले के बारे। भाई सलाहियत मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन आप में सलाहियत नहीं है कि आप इल्मी अंदाज में कोई सही बात कर पाओ।
अगर आपके अंदर हक यार रफा दान आपके करने के ऊपर इजमा है तो आप इजमा के मुनकिर हो, यानी कि भाई आप काफिर हो गए। ठीक, आपकी हिदायत मुतरा हुआ है, रफा दान करने की हदीसे सही है और रफा दान ना करने की हदीसे अइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, आप उसको भी मानने को तैयार नहीं हो, तो आप मानते किस क्यों मेरे भाई? सुने तो ना, बताओ, मैं आप सुनते ही नहीं है, बकवास। नहीं, आपकी जो हिदायत उतरा हुआ है क्या वो गलत उतरा हुआ है, ये बता दीजिए। आपके हनफी मसलक की जो मुकद्दस किताब है हिदायत शरीफ, जिसको बिना पढ़े कोई आलिम नहीं बनता है, क्या मेरे भाई क्या उसको आप मानने से इनकार कर रहे हो? उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? जब मैं ऐसे से गुजरता हूँ तो कुत्ता बहुत भुगता है तो मैं खामोश रहता हूँ। अगर कुत्ता साइलेंट हो गया तो मैं उसको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। भाई आप जितना मेरे भाई भौंक लीजिए, ठीक है, मैं भोगता ना हूँ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। अगर आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो, कौन ज्यादा बताता है और किसके अंदर चलाइए, तो जिसके पास ज्यादा इल्म होगा वही तो ज्यादा इल्मी बातें बताएगा। अब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप खाली बर्तन हो, खुद ही पीटते हो, खुद ही आवाज आती है, तो मेरी क्या गलती है? जब बताना शुरू किया तो आपकी जगह अगर कोई और होता ना, तो रफा दान ना करने के ताल्लुक से एक सही हदीस तो पेश भाई वो उसको करना चाहिए था। अरे पहले बताने का मौका तो दिए तो ना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हनफियों को छोड़ के दुनिया में फॉरन में जहाँ पे भी हनफी है सबके सब रफा दान करते हैं। खाली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो जाहिल मुकल्लिद है खाली उनके लिए रफा दान मंसूख है, बाकी हनफियों के लिए भाई को रफा दान करना जायज है। अच्छा अच्छा ऐसा है और क्या मेरे भाई? भाई अपने मेरे भाई मसलक से बाहर निकलो, दुनिया जाके देखो क्या क्या हो रहा है, अपने घर में बैठ के दीन सीखोगे तो होगा क्या? कौन वाहिदी से बात करें भाई? सिलेंडर तो वो निकाल लेना, रेगुलेटर पहले गैस मतलब खोल लेना, नहीं तो देख लेना। हेलो, कौन वाहिदी से बात करें या आपका दुनिया ये वो उसके ही बात करें? टॉपिक भाई, टॉपिक तो आप आ ही नहीं रहे थे, इसमें मेरी क्या गलती मेरे भाई? मैं आपसे बहुत ही एहतरामन, बहुत ही प्यार से कह रहा हूँ, मोहम्मद रसूल देवबंदी भाई, आपसे मुझे रफा दान ना करने के ताल्लुक से एक सही हदीस पेश कर दीजिए, सिर्फ एक। क्या करोगे पेश कर दूं तो मैं रफा दान करना छोड़ दूंगा ना, फालतू में मेहनत काहे के लिए करूं, काहे अपने हाथों को उठाऊं गिराऊं, नहीं करूंगा रफा दान। चलो फिर सुन लो, पहले सुनने की सलाह करके तो ना मैं बता दूं आपको। अगर आप दलील पेश करेंगे मैं इंशाल्लाह आराम से सुनूंगा, और दलील छोड़ के अगर मन की कयास पेश करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये आप ध्यान रखिए। मैं यार दलील से ही बात करता हूँ यार। चलिए अभी देख लेते हैं दलील दीजिए रफा दान ना करने की, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अच्छा ठीक है, मुसनद हुमैदी की किताब जिल्द 2 सफा नंबर 270। मुसनद हुमैदी जो थे वो भाई इमाम बुखारी रहीमुल्ला के उस्ताद थे, लेकिन इमाम बुखारी रहीमुल्ला वो रफा दान करने की हदीसें लाए तो उम्मत का जो इजमा होगा वो बुखारी पे होगा, क्योंकि कुरान के बाद जो सबसे बेस्ट किताब है वो बुखारी मुस्लिम है। अब आगे बोलिए। दलील ही पढ़ता हूँ, आप बीच में ना तोड़ते हैं, ये तो आप जो दलील पेश कर रहे हैं सर, दलील बहुत पुरानी हो गई, कोई नई दलील लाइए ना मेरे भाई। अच्छा तो मैं आप जिनसे रफा दान ना करना साबित करना चाहते हैं उन सबका रद्द अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैकड़ों साल पहले हो चुका है। आप क्या सोचते हैं, आप कोई नई नई दलीलें हैं क्या? इसके आप कौन सी हदीस पेश करने वाला आप जरा बता दो कौन सी? अरे मुसनदे भाई, वो मुसनदे जो वो क्या बोलते हैं हुमैदी जो आप बता रहे थे वो इमाम बुखारी रहीमुल्ला के उस्ताद थे, और इमाम बुखारी रहीमुल्ला वो रफा दान करने की हदीसें लाए हैं, तो बुखारी की हदीस आप छोड़ के आप भाई ये हुमैदी के ऊपर आप काहे के लिए भाग रहे हैं पहले ये बताइए। आप इजमा को बार बार क्यों छोड़ के भागते हैं? ऐसे तो हर बात में इजमा का भाई वो लॉलीपॉप देते रहते हैं कि इजमा है, इजमा है, इजमा है, और जब इजमा की बात होती है तो क्यों इजमा छोड़ देते हैं? सुने वो तो ना तुम्हें पता चलते जाओगे तो तुम्हें कहीं से पता चलेगा। अच्छा भैया मुसनद उमैदी की हदीस पेश कीजिए रफा दान ना करने की जल्दी से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु ने नकल करते कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नबी जब नमाज शुरू करते तो दोनों खांदों के बराबर उठा लेते, जब रुकू करने का इरादा करते
तो रफा दैन नहीं करते, और जब दो सजदों के दरमियान भी रफा दैन नहीं करते। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे भाई ये झूठ बोलने के कितने पैसे मिलते हैं आपको? आप इस घर से ये दलील गलत है तो आप साबित कर लो। इंस्टा में रफा दैन उमर रजी अल्लाह तआला अनु के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भाई, ये बुखारी की हदीस है, इमाम बुखारी इसको मेरे भाई ला रहे हैं अपनी सही बुखारी में। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब भी नमाज पढ़ते तो रफा दैन करते, जब भी रुकू में जाते तो रफा दैन करते, जब भी रुकू से उठते तो रफा दैन करते, और दो रकात के कायदे के बाद जब तीसरी रकात के लिए खड़े होते तो रफा दैन करते, और दोनों सजदों के दरमियान रफा दैन ना करते। हो गया आपकी बात। तो आप मेरे भाई ये बताइए, आपके अकल के पत्थर पड़ गए हैं, आपके ऊपर कौमे लूत के पत्थरों की बारिश हो, कि अल्लाह के नबी का अमल छोड़ के आप मेरे भाई कहीं की भी सर कहीं की टांग, मतलब आपको अता पता बैकग्राउंड कुछ मालूम नहीं है, बेसिक आपको पता नहीं है, बस आपने किसी की बात सुन के भाई मेरे तक पहुंचा दी। भाई सुनो मेरी बात, अब एक दो तीन मिनट आप खामोश रहो तो मैं बता दूंगा आपको। चलिए बोलिए, नंबर के साथ बता दूंगा। बोलिए 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 जल्दी बोलिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उमर रजी अल्लाह अनु के चार हदीस नकल करे हैं, और मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह अनु की एक हदीस, ठीक है। और इसके अंदर जो हदीस आपने पढ़ी थी अबू दाऊद हदीस नंबर 741, उसके अंदर अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने फरमाया ये हदीस मरफू है, मरफू नहीं, यानी ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं इसकी सनद। कौन बताया? अबू दाऊद रहमतुल्लाह हदीस नंबर 741। तो कहते हैं भाई सही आलिम लोग कहते हैं कि हनफी मुकल्लिद जाहिल होता है, उसको मेरे भाई बेसिक नहीं मालूम होता है, और उसको कुरान हदीस का मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह अनु की जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीस नकल करी है। आप मेरे भाई मतलब जानबूझ के अनजान या वाकई बचपन से अनजान हो? दलील के साथ नंबर बताता हूँ, सुनो। हदीस नंबर 1086 के अंदर मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह अनु ने बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरू करते तो नमाज करते, रुकू जाते तो नमाज का रफा दैन करते, जब रुकू से सर उठाते तो रफा। अरे मेरे भाई साहबी तबे ताबई सब लोग रफा दैन करते थे, ठीक है। सईद बिन जुबैर रहीमुल्लाह वो ताबईन, वो नमाज में रफा दैन के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया ये लोगों के नमाज की खूबसूरती है, यानी कि नमाज की जीनत है जुज रफा दैन। भाई इमाम बुखारी हदीस नंबर 32। और बताइए तो इमाम बुखारी भाई रहीमुल्लाह ने जो आप ये सब दलीलें पेश कर रहे हैं उनका रद अपनी किताब में भाई सैकड़ों साल पहले कर दिया था, जुज अल सफुल दैन, उसको आप पढ़ लीजिए, छोटी सी किताब है। हाँ भाई आपको घबराहट होती है हदीस पढ़ने में, आज तक सोच रहे आप ये सब हदीसे पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी हदीसे हैं, बहुत मतलब वो नई हदीसे हैं, ये सब बहुत पुरानी हो चुकी है मेरे भाई। भाई आपको अगर हदीस के ऊपर बात करने से घबराहट होती है तो छोड़ दो, अगर घबराहट नहीं होती बात करने के बात कर सकते हैं तो बात करो, घबराहट क्यों करते हो तुम? जब मैं दलील पेश करता हूँ मेरे भाई के साथ तो आप घबराते क्यों हो? सुनो निसाई शरीफ हदीस नंबर 1086 है, मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह अन्हु जो रफा दैन के बारे में बताए थे रुकू से उठना, मेरे भाई रफा दैन करने पर 10 सहाबा की गवाही मौजूद है मेरे भाई। रुको आप मैं बताऊंगा, आप 10 सहाबा की बात का एक साथ इनकार कर रहे हैं, मैं बताइए आप, मैं बता रहा हूँ, सुनो आप सुनो, आप सिर्फ सुनना है आपको, बोलना नहीं, आपको सिर्फ सुनना है बोलना नहीं, वो सुन लिया आपने, जरा सामने वाले को मौका दिएगा तो बोलेगा, बकबकाने की चीज नहीं कुरान व हदीस, मजाक नहीं कि हंसने से बात करें मजाक से बात करें या अपनी तरफ से जो मर्जी आया वो बात कर लेते चले, जो आपको दिल में आया भाई आपका शौक पूरा हो गया ज्यादा बोलने का या और कुछ बोलना है? मैं आपको टोक रहा हूँ, इन सबसे आप बाज आए तो मैं बात करूंगा। भाई देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़े अल्लामा हैं तो आप ये भूल जाइए, क्योंकि आप जितनी मर्जी कयास कर रहे हैं इनका रद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने पहले ही कर दिया था जुज अल रफुल दैन किताब में, आप उसको पढ़िए ना। आप क्या सोच रहे हैं आप ये सब नई नई बातें लेके आएंगे तो कोई अंगूठा चूसने वाला बच्चा डर जाएगा, वो रफा दैन करना छोड़ देगा? ये सब इश्कलात मेरे भाई बहुत पुराने हो चुके हैं मेरे भाई।
आपके तो बतर निकले, जरा अंगूठा चूसने वाला तो जरा खामोश। तो वही तो बता रहे ना मेरे भाई, आप जाके पहले तहकीक कीजिए, पढ़िए, दो तरफा तहकीक कीजिए। आप खाली अपने मसलक को बचाने के लिए तहकीक कर रहे हैं। अगर वाकई आपको तहकीक करनी है तो सही दीन पे अमल करने के लिए तहकीक कीजिए, सही दीन तक पहुँचने के लिए तहकीक कीजिए। ऐसे अमल नहीं होता है मेरे भाई जैसा आप करना चाह रहे हैं। ऐसे तो मैं भी ठान लूँ कि मुझे अहले हदीसों को हक साबित करना है और मैं कुरान हदीस का रद्द करता चला जाऊँ, तो मेरे से ऐसा नहीं होता है। मैं कुरान हदीस को मानता हूँ, इसलिए मैं अहले हदीस हूँ। और आप लोग कुरान हदीस का रद्द करते हो, अपने मसलक को बचाते हो, इसलिए आप लोग भाई इमाम अबू हनीफा की मुकल्लिद हो, नकली हनफी हो। कुरान हदीस को नहीं मानते आप, कुरान व हदीस को नहीं मानते, मुनकर क्यों आप? अरे यार हद है मेरे भाई, कुरान व हदीस को आप नहीं मानते। अहले हदीस, कुरान हदीस, इजमा, कयास, अमले साहबा, ताबई, तबे ताबई, चारों अइमा और सलफ सालिहीन सबको मानता है, लेकिन हनफी मुकल्लिद सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानने का दावा करता है और उनका नाम बदनाम करता है। ना वो अपने हनफी मसलक की मानता है, ना कुरान हदीस की मानता है, ना साहबा की मानता है, ना ताबई की मानता है, यहाँ तक कि वो खुद अपने नफ्स की नहीं मानता है। बस उसका जो मूड में आता है वो मानने लगता है। अगर उसको रफा दहन का रद्द करना है तो कहीं ना कहीं से करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसको भाई अल्लाह के नबी की नमाज का इनकार करना है तो वो कहीं ना कहीं से इनकार करने लगेगा। तो ये सब आपकी मेरे भाई अकल की कमी है। आप एक काम कीजिए, अपना भाई अकाउंट नंबर हमको भेजिए, आपके अकाउंट में भाई हम पैसे डलवा देते हैं। किसी अच्छे से बेस्ट भाई जो वो मेंटल का जो डॉक्टर हो, आप जाके मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराइए। ठीक है मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।